आपका एक बार फिर स्वागत है। तो महिलाओं ने जल भर लिया है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से। संयोग है कि नल में पानी आ रहा है। एक बड़ी जंग जीतने के समान ये मुस्कान है चेहरे पर, जिससे लगता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध इन्होंने जीता है, क्योंकि ये युद्ध से कम नहीं है। रोजाना की ये जद्दोजहद है इनकी, पानी भरना होता है, बहुत मुश्किल से भर पाती हैं। और अब हम चलते हैं इनके साथ मार्च करते हुए वापस इन सब के घर। ये सब अपने अपने घरों को निकलेंगी, पानी लेकर अपने घरों को जाएंगी, और हम भी इनके साथ मार्च करते हैं। एक तरह से इनकी ज़िंदगी जीने की कोशिश है कि कैसे रोज़ाना ये मार्च करती हुई पानी भरने जाती हैं, और पानी भर कर ये फिर वापस अपने अपने घरों को जाती हैं। देखिए बिरसा नगर जोन नंबर 3 कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है। हम एक पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर आसपास घर हैं, लोग बसे हुए हैं। देखिए कितनी ऊंचाई से हम देख पा रहे हैं यहां पर जो आसपास का इलाका है। बिरसा नगर को एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहा जाता है, और जो जोन नंबर 3 है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। पूरा बिरसा नगर ही पहाड़ी पर बसा हुआ है, और जोन नंबर 3 उसके बिल्कुल ऊंचे पॉइंट पर बसा हुआ है। यहां पर लोगों को जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग यहाँ खड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्यों जो मुहर्दा जलापूर्ति योजना है उसका लाभ अब तक लोगों को यहाँ नहीं मिल पाया, क्या कुछ तकनीकी खामियां रही, क्या कुछ हुआ। बिरसा नगर जलापूर्ति योजना कुछ साल पहले बनकर तैयार हुई, और काफ़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लगातार ये काम चल रहा है। जो जोन नंबर 3 का आपका इलाका है, क्यों ये अछूता रह गया? देखिए, बिरसा नगर जोन नंबर 3 डी ब्लॉक